योगी सरकार आने के बाद अवैध निर्माणों पर बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। जनपद के सदर तहसील के एसडीएम शैलेश दुबे की शक्ति का असर अब अवैध निर्माण करने वाले माफियाओं पर साफ नजर आने लगा है। उन्होंने सरकार की जमीनों को एक दो साल से नहीं बल्कि 40 साल से कब्जा करके बैठे थे, उनके खिलाफ एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए तत्काल अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। इसके बाद हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी शैलेश दुबे भू माफियाओं पर कहर बनकर टूट रहे हैं और उन्होंने अभी तक लगभग 50 लाख से अधिक की सरकारी संपत्तियों को कब्जेदारों से मुक्त करा लिया है। राम समाज से लेकर बंजर खलिहान और पोखरे की जमीनों पर भी भू माफियाओं ने कब्जा करके अवैध निर्माण कर लिया था, जिसको लेकर एसडीएम ने सबसे पहले जांच करवाई, उसके बाद उन्हें खाली करने का नोटिस दिया। बावजूद इसके जब वे नहीं माने तो फिर एसडीएम बाबा का बुलडोजर लेकर उनके अवैध निर्माण पर पहुंच गए और उन्हें ढहा दिया। एसडीएम शैलेश दुबे ने बताया कि सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत को लालगंज गौसपुर सहित कई गांव में खुद गांव में बाबा का बुलडोजर लेकर पहुंच रहे और अवैध निर्माणों पर जमकर बुलडोजर गरज रहा है। बताया कि जिन लोगों ने भी सरकार की जमीनों को कब्जा कर रखा है वह लोग तत्काल उससे खाली कर दें, नहीं तो बुलडोजर से अवैध निर्माणों को गिरा दिया जाएगा। अतिक्रमण था और उसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? सदर तहसील में अलग अलग ग्राम पंचायत जैसे लालगंज को कटदमा या रौतना में कुल मिला के करीब 5 हेक्टेयर या 13 एकड़ भूमि खाली करवाई जा चुकी जो विभिन्न लोगों द्वारा विशेष प्रकार से अतिक्रमित हो चुकी थी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 5.5 करोड़ के आसपास आंकी गई। सर चिन्हीकरण कैसे लोगों का हुआ और कब से ये कब्जे थे? ये जैसे अगर एक उदाहरण के तौर पर दिया जाए तो ग्राम पंचायत कोप में जो प्राथमिक विद्यालय की भूमि है उस पर करीब 30 से 40 वर्षों से कब्जा चला आ रहा था, जिसे कई बार नोटिस भी दिया गया, लिखित और मौखिक तौर पर भी उन्हें सूचित किया गया, लेकिन उनके द्वारा वो स्थान खाली नहीं कराया गया, जिसपे प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए उसे खाली कराया गया। इसी प्रकार से अन्य जैसे चारागाह की भूमि गड़दमा में काफ़ी समय से अतिक्रमित थी, उसे भी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के उपरांत खाली करवाया गया। तो ये पुराने अवैध अतिक्रमण हैं जो सरकारी ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा किए हुए थे, जिन्हें विशेष कार्रवाई करते हुए हटवाया गया। जो अतिक्रमण किए हुए हैं अभी भी उनको क्या संदेश? जी, जिस प्रकार के अतिक्रमण हैं, मान लीजिए अगर पक्का कोई अतिक्रमण है तो उनमें 67 की कार्रवाई भी नाले द्वारा आयोजित की जा रही है और जुर्माना भी उन पर लगाया जा रहा है।